जय महाकाली, जय माँ काम व्याख्या। आप लोग कैसे मित्रों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वशीकरण लेके आई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं भोजपत्र, भोजपत्र पे यंत्र बनाकर लौंग से वशीकरण। यदि आप किसी को सच्चे दिल से मन से प्यार करते हैं, आपका प्यार आपसे रूठ के कहीं चला गया है और आपको बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या आपका बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, इज्जत नहीं दे रहा, या आपका मान सम्मान नहीं कर रहा और आपसे रूठ के और आपका ब्लैक लिस्ट नंबर करके किसी भी क्षेत्र में चला गया और आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, तो आप अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये इस वशीकरण को करके अपने प्यार को पा सकते हैं। कैसे और किस तरीके से, कब करना है, कब और कैसे करना है, क्या मंत्र करना है, कौन सा टाइम पे करना है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। उससे पहले ये कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन के साथ, के आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप वॉच कर सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर लेना। तो अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए आपने करना क्या है, एक भोजपत्र ले लेना है। किस दिन? शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन, या शुक्ल पक्ष के किसी भी आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर इसको अमावस्या वाले दिन करें। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल नहा धो के सुबह के टाइम पे फ्रेश हो जाइए। उसके बाद इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप सुबह से लेकर रात 12 बजे तक किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। आप टाइम निकाल के 10 मिनट 5 मिनट जब भी आपको टाइम मिले तो आपने करना है। और जब भी आप इस वशीकरण को करने लगे टोटके को, तभी आपने बिल्कुल एकांत जगह पे करना है। कभी भी किसी के आगे टोटका नहीं किया जाता, कोई भी की टोक लगे, टोक लगने से कभी भी कामयाब आपको नहीं मिलेगी। और आपने कामयाबी अगर प्राप्त करनी है इस वशीकरण के टोटके को, तो बिल्कुल एकांत में करें, या तो अपने रूम में बैठ के करें, या तो ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ की आपको कोई ना देखे। तो आपने करना क्या है, भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपने जैसा मैंने यंत्र बनाया बिल्कुल सेम वैसे ही यंत्र बना लें। और जब आप इस यंत्र को बनाने लगें तो अपने प्रेमी या पति या अपने पत्नी का या प्रेमिका का फोटो, या तो उसको याद करते हुए मन चित्त में बिल्कुल अच्छे से उसको सिमरन करते हुए, याद करते हुए आपने इस जो वशीकरण टोटका है, जो यंत्र बनाया मैंने भोजपत्र पे, वो आपने बना लेना है। उसके बाद दो फूल वाली लौंग लेनी है। लेने के बाद जो मैंने इसके अंदर शब्द लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ मुँह से कि यंत्र के अंदर हींग लिखा है। हींग जैसे कि माँ काली का मंत्र होता है ओम ए हींग क्लीम, तो हींग का शब्द लिखा गया है, तो वो आपने लिख देना है सभी खाने में। और उसके बाद आपने इस यंत्र को बिल्कुल बना लेना है। बनाने के बाद दो फूल वाली लौंग इसके ऊपर रखनी है। कौन सा सिंदूर लगेगा बता देती हूँ। आपने सिंदूर लेना है हनुमान जी को, जो पीले वाला चढ़ाते हैं, उस सिंदूर का उपयोग करना है। उसके बाद कौन और कैसे लाना है इस सिंदूर को, आप किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए, जो हनुमान जी को चोला चढ़ा होता है संतरी रंग का, उस चोले के ऊपर उंगली लगा के वो सिंदूर आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा निकाल के ले आइए। उसके बाद आपने इस वशीकरण के टोटके को करना है। जो भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाया उसके ऊपर लौंग रख लें, और जो सिंदूर लेके आए थे हनुमान जी का, आपने वो इस लौंग के ऊपर लगा देना है। लगाते हुए आपने मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बता देती हूँ, बहुत ही छोटा सा और लिख के भी बताया हुआ है, हींग हींग हींग। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है, करके अपने प्रेमी पति को याद करते हुए और उनका तीन बारी नाम लेना है। इस लौंग के ऊपर तीन बारी आपने फूंक मार देनी है। मारने के बाद आपने करना क्या है, इस लौंग को इसी भोजपत्र पर लपेट देना है अच्छे से। लपेट के आपने उस प्रेमी या पति का नाम लेते हुए इसको एक तावीज़ की तरह बना लें, किसी कपड़े में या तावीज़ के अंदर। बनाने के बाद आपने इसे दाहिने बाजू में बांध लें। जब तक कि आपका पति प्रेमी आपसे बिल्कुल बातचीत ना करने लगे, अच्छे से वशीकरण ना हो जाए, जब तक कि आपका कहना सुनना वो ना मानने लगे, तब तक आपने इस तावीज़ को बना के अपने बाहिने हाथ में बांध कर रखना है। और जब आप इसे बांधेंगे उसी टाइम से उसके ऊपर असर
शुरू हो जाएगा और आपको 1000 गुना ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये 100% गारंटी के साथ है कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके पति आपका कहना नहीं मानते तो इस उपाय को प्रयोग को ज़रूर करें। अगर आपका प्रेमी आपसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, अच्छा भला आपका रिश्ता चल रहा था और एकदम ही आपसे अलग हो गया, आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा और बिल्कुल शादी के लिए तैयार था, एकदम शादी के लिए मना कर दिया, अगर कोई तीसरा भी आ गया होगा तब भी ये वशीकरण काम करेगा। इसलिए आप इस वशीकरण को करने में बिल्कुल भी ना संकोच करें, बिल्कुल करें अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, या किसी भी रिश्ते को आप सुधार में रखना चाहते हैं उस रिश्ते के लिए भी इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके अपने सच्चे प्यार को पा सकते हैं। अगर इसको करते हुए कोई दिक्कत परेशानी आए तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान गुरु माँ जी के पास ज़रूर मिलेगा अगर आप इस वशीकरण को करते हैं। और अगर इसको करते हुए कोई दिक्कत परेशानी आए तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। अगर कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, पति पत्नी में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, या आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया, आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, या आपके व्यापार को बांध दिया, नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसी समस्या, घर में कोई वास्तु दोष है, काली शक्तियों का वास है, आपके ऊपर कोई बाधा है, दुकान व्यापार बांधी गया है, कुछ भी ऐसी समस्या है तो गुरु माँ जी के पास संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। आपकी हर एक समस्या का समाधान गुरु माँ जी के पास ज़रूर मिलेगा। आगे फिर मिलते हो, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। अगर आपको सच्चा प्यार आपको मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट सेक्शन में जय महाकाली ज़रूर लिखना।